रालोद के आगरा जिला अध्यक्ष रहे महेश कुमार जाटव और उनके पुत्र पंकज कुमार ने प्रेस वार्ता की। मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए बताया कि उनके बेटे पंकज के खिलाफ निराधार मुकदमा लिखाया गया है। कुछ लोग षड्यंत्र के तहत हमें खत्म करना चाहते हैं। महेश कुमार जाटव और उनके पुत्र ने बताया कि लेन देन को लेकर विवाद शुरू हुआ था। ब्याज माफियाओं को करोड़ों रुपए अदा कर चुके हैं। इसके बावजूद दबंगों द्वारा परिवार का शोषण किया जा रहा है। दबंगों और ब्याज माफियाओं से तंग आकर अरविंद उर्फ छोटू, राजकुमार, सुनील सिंह आदि 11 लोगों के नाम FIR लिखाई गई है। पुलिस से उचित जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है। दबंगों से भयभीत महेश कुमार जाटव ने बेटे का नार्को टेस्ट कराने की मांग करते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की है। भाई पेट्रोल पंप है सैया खेरा रोड पर नगरा होतिया पर इंडियन ऑयल का जो कि मेरे नाम से है। तो पेट्रोल पंप 2018 से चल रहा था लेकिन 2021 में एक मेरे यहाँ पे एक 20 लीटर का टैंक लगा डीजल का बड़ा था नया। तो उसके लिए कुछ पेमेंट की कभी कभी जरूरत पड़ जाती थी। तो अरविंद नाम का जो व्यक्ति है मेरा उससे स्टार्टिंग हुई 2021 में 5 लाख रुपये लिए थे मैंने उससे। वो 2 लाख रुपये लिए थे मैंने उससे और 5 दिन बाद 2,05,000 रुपये मैंने उनको वापस कर दिए। जो भी ब्याज की बात हुई थी उसको लगा के वैसे लिखावट कोई बात नहीं वैसे ही विश्वास पर बात हुई थी मैंने उनको वापस कर दिए। उसके बाद जो भी मेरा लेन देन होता था उनसे खाते में अरविंद से ही स्टार्टिंग हुई थी मेरी। अरविंद को ही मैं जानता था क्योंकि अरविंद ही पड़ोस में रहता था पेट्रोल के पड़ोस में अरविंद ही रहता था। ये कोई काम नहीं करता घर पर ही रहता है ये इसका ब्याज का काम है पूरा उधर मतलब पैसे देता है ब्याज पे उधर। और ये कुछ दिन 4-5 महीने से शमशाबाद में आशीर्वाद गोल्ड लोन में नौकरी की थी इसने बैंक में 4 से 5 महीने की ज़्यादा नहीं की थी 4-5 महीने ही की इसने वहाँ बैंक में नौकरी। उसके बाद मैं लेता था तो अकाउंट में लेता था और अकाउंट में ही मैं वापस करता था। लेकिन कुछ दिन बाद ये बोलने लगा कि मुझे 30% पर 1 लाख रुपये पे 1,000 रुपये पर डे की मतलब 30% महीने की ब्याज चाहिए। मैंने क्यों चाहिए क्योंकि मैं तो ऐसे ही लेता हूँ आप सबसे मैं। तो उसके बाद दबाव बनाने लगे तो मैं इसको फिर भी दबाव में आके मैं इनको दे जो भी था मैं देता गया पैसे मैं वापस कर चुका था। कितने पैसे मैंने इनको इसको दिया है अरविंद को और 4,95,47,000 रुपये मैं अरविंद को अकाउंट में और कैश में वापस कर चुका हूँ। मैं वापस उनको वापस कर चुका हूँ। इसी तरह से इसने धीरे धीरे करके इसने ये ग्रोह है 11 लोगों की उनसे मिलाया सबसे कहता था मैं उससे दिलवा देता हूँ तुम मुझे दे दो। मैं किसी से दिलवाता था खुद पैसे ले जाता था मेरे ऊपर उसको कहता था तुम इससे ले लेना। नाम खोलते हो अरविंद ने 11 लोगों का सबके नाम खोल ये अरविंद है नंबर एक पे अरविंद है दूसरे पे मेरे राम कुमार ये इसका एक जनसेवा केंद्र है अहले गाँव में चलाता था। तो ये कहता मेरे अकाउंट में पैसे डाल देता मुझसे कैसे लेता था अपने जनसेवा केंद्र के लिए कैसे ले जाता था पेट्रोल से मुझे तो अकाउंट में जरूरत होती थी तो मैं अकाउंट में ले लेता था इससे और इसको मैं कैसे दे देता था। आपने कितने पैसे लिए तो कितने इसको वापस कर दिए इसके राम कुमार को मैंने 3,50,00,000 के 81,000 रुपये वापस कर दिए। लिए कितने नहीं एक लगभग आंकड़ा होगा ना मोटा मोटा बताओ ना। ऐसे मेरे पास आए हैं 24 लाख रुपये के अकाउंट में और मैं ऐसे अकाउंट में दिए 54 लाख रुपये वापस। दूसरे नंबर पे है सुनील तोमर से इससे मेरे पास आए 10 लाख रुपये उसको मैं 42 लाख रुपये वापस कर चुका। ये जो अकाउंट पैसा जा रहा है ये क्या ब्याज है? ये ब्याज है ये 30% पर डे के हिसाब से इन्होंने ब्याज लगाई है उसका ये पैसा पर डे पर 30% पर 1 लाख रुपये पे 1% डेली के हिसाब से महीने के 30%। अच्छा आपने टोटल कितना पैसा लिया इनसे? मैंने लिया इनसे लगभग 4,94,00,000 रुपये और मैं इनको 10,45,00,000 रुपये वापस कर चुका हूँ। अच्छा कितने समय में यह है अलावा 3 साल का समय है 2021 से 24 तक का। आपका लेन देन इतना इजीली हो रहा था तो वो विवाद किस बात का है? विवाद ये था इन्होंने प्लान जब मैं इनको देता रहा मेरे पास कुछ नहीं रहा तो मैंने इनसे लगभग 6 फरवरी की बात है उन्होंने मुझे प्लाट बुलाया मिलने के लिए थी बात हो रहा कि मुझे प्लाट बुलाया कि यहाँ आ जाओ ये इसकी बातचीत कर लेंगे मैं ठीक है आ रहा हूँ। उसके बाद आया ये सभी लोग थे वहाँ पे सभी 11 लोग वहाँ पे थे इनसे मेरी बात हुई मैंने क्या हुआ भाई अब तो मेरे पास था इतना मैं दे चुका अब मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे ठीक है मैंने उससे मैं ऐसे कह दिया ठीक है। उसके बाद मैं रात लगभग 7-8 बजे तक मैं वहीं पर इन्होंने मुझे रोक रखा
मुझे किसी से पता चला कि इनका षड्यंत्र पेट्रोल पंप को किसी भी तरह नाम करा ले इससे धमका के, घर बताने नहीं देते थे मुझे, क्योंकि इनका मकसद मुझे पता चला बाद में एक मकसद ये था कि पेट्रोल पंप को नाम करा ले किसी तरह, पंप बंद करवाना है इसको, ज़्यादा भगाना है। उसके बाद मैं किसी भी तरह से वहाँ से जान बचा के बहाने लगा, लेकिन मैं रात को घर पर पहुँचा 9 बजे वापस आ गया। तो 7 तारीख को मैं घर से कहीं गया नहीं क्योंकि उन्होंने बहुत धमका दिया था मुझे, मैं 7 तारीख कहीं घर से गया नहीं। उसके बाद इनका भी इनका फ़ोन आने लगा, कहाँ आओ 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 यहाँ पे, मैं गया नहीं। मैं 8 तारीख को मैं अपनी जान मैं अपना सुसाइड करने के लिए मैंने सोचा, मैं सुसाइड करने में निकल गया था घर से बाहर। 8 फरवरी को इनका दबाव इतना था कि मुझे घर से भाग के जाना पड़ा सुसाइड करने के लिए, इतना मुझे परेशान कर दिया था बहुत ज़्यादा। कंप्लेंट नहीं कर पाया किसी घर पे, मैं बता नहीं सकता था किसी को, घर पे मैंने नहीं बता पा रहा था कि जान से मारने धमकी देते मुझे भी, मेरे परिवार को भी। आपके खिलाफ मुकदमा लिखाया उन्होंने 420 में, तो आपका क्या रिएक्शन है? जब मैं मुकदमा जाँच होगी कोर्ट न्यायालय देश में फैसला देगा, जो भी होगा जाँच, मैं अपना मैं जाँच के लिए तैयार हूँ, जाँच करो, जाँच हो इसमें पूरी निष्पक्ष तरीके से जाँच हो। आपने भी कोई मुकदमा लिखाया? हाँ मैंने ही मुकदमा लिखाया है। मैंने ये 11 लोग हैं, नंबर 1 अरविंद पुत्र पॉप सिंह, सबके नाम एक है, नंबर 1 है अरविंद उर्फ छोटू, इसी यही है इनका सबका करता रहता, इसी ने सबसे मिलाया, इसी ने ही सबसे कैसे नंबर 2 पर राम कुमार, फटाफट 3 नंबर सुनील, 4 नंबर दयाल, 5 विष्णु प्रताप, 6 नंबर रंजीत, 7 राकेश, 8 नंबर राहुल, 9 नंबर अनुज पाल, 10 नंबर बलवीर और 11 नंबर पॉप सिंह। ये पॉप सिंह अरविंद का पिता है। किस प्रवृत्ति के लोग हैं ये? ये गुंडागर्दी प्रवृत्ति के लोग हैं, मारने की धमकी देते हैं, घर पे आ जाते हैं, अभी भी मेरी गाड़ी का पीछा करते हैं, जगह जगह पे लोग लेते हैं। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ऐसा था अभी कुछ दिन दबा 8-10 दिन पहले ही अरविंद गाड़ी में 8-10 लोगों को भर के लाया, इसको मेरी गाड़ी कहीं दिख गई होगी, इसने पीछा किया मेरा, उसके बाद मैं निकल गया वहाँ से किसी तरह बच के, ये पहुँचा हमारा वाटर पार्क है, आप पता है वाटर पार्क है, वहाँ पे खेत पे पहुँचा, वहाँ लोगों से बोला कि वो गाड़ी लेके भाग गया, निकल आया है, इधर आया है क्या, मिल जाता है उसको पकड़ के लेके जाएंगे, उसको जान से मार देंगे। मैं महेश कुमार जाटव, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष फ्राइटी लोग, कुछ दिन से 2 दिन से जो पत्राचार चल रहा है जिसमें छोटे छोटे जो अखबार होते हैं, बड़ी बड़ी खबर छापते हैं जो फेसबुक व्हाट्सएप पर डाले जाते हैं, उसके माध्यम से मेरा फोटो लगा करके कि जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल फंसा 420 में हैं, उसके बेटे ने किया 56 करोड़ का यानी कितने का 56 लाख का घोटाला, ऐसे करके वो निकल रहा था। इसीलिए मैंने आज सभी मीडिया बंधुओं को आपको बुलाया है। ऐसा है, मैं पूरा प्रकरण बता देता हूँ बहुत स्पीड से। 8 फरवरी 2024 को ये बेटा मेरा घर से भाग जाता है। मैं उस दिन इंगलास से भी आगे एक बहादुरपुर गांव पड़ता है वहां पर था, मेरे परिवार में एक कार्यक्रम था हमारे यहां पे, मैं बता रहा हूं, रोटी जैमे में था, तो एक सूचना आती है, छोटा बेटा मेरे फ़ोन करता है कि भाई का पता नहीं चल रहा है, भाई कहीं पे गायब हो गया। तो मैंने कहां से हुआ है कि सागन से हुआ है, मैं सीधा सागन जाया, सागन थाने में मैंने तहरीर दी और उस पर गुमशुदगी का मुकदमा हुआ। उसके बाद 23-24 तारीख में ये लौट करके आया, किसी तरीके से उसमें पूरी पुलिस प्रशासन लगा, सीपी साहब ने बहुत मदद की और इसे ढूंढ करके निकाला। तब हमें पता चला कि ये मामला इस पर लेन देन का है, ये कर्ज की वजह से, और ये ब्याज माफियाएँ सूद हो रहे, ये लोग इस पर से पेट्रोल पंप को जबरदस्ती लिखवाना चाहते थे, इसलिए ये यहाँ से डर की वजह से भाग गया। और इसने हमें भी कोई सूचना नहीं दी, कोई बताई नहीं, और आज तक ये 12 लोगों ने, अब वो ज़रूर फ़ोन करते हैं, इससे पहले कभी किसी ने मुझे फ़ोन करके ये नहीं बताया गया कि तुम्हारे बेटे से लेन देन करते हैं। जब तक इस पर था तब तक इसे नोच नोच करके पल पल तिल तिल मार करके इसे खाते रहे, उसके बाद में जब इस पर नहीं था तो ये भाग गया। उसके बाद में आज मेरे ऊपर भी ये दबाव बना रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, और राजनीतिक लोग जो मेरे विरोधी हैं वो भी इनका सहयोग कर रहे हैं इसमें पूरी तरीके से, कि महेश की कैसे छवि धूमिल की जाए, किस तरीके से इसे बर्बाद किया जाए, ये पूरा प्रकरण चल रहा है। मैंने सीपी साहब को 29/6/2024 को मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया इन सभी लोगों के खिलाफ, क्योंकि ये मेरे सामने जब पंचायत हुई ऑफिस पे आए तो उस समय भी मुझे धमकी दी कि इसे हम उठा के ले जाएंगे, चाहे जान से मार देंगे, नहीं तो हम इस पर पेट्रोल को लिखवा लेंगे, हमारा हम पैसा पटा करके रहेंगे। मैंने कहा इनसे कितना पैसा है, तो आज तक कोई भी पैसा बताने के लिए राजी नहीं है।
तुम्हारा पैसा कितना है, कैसे कैसे दिया। जब मैंने अपने बेटे से पूरी छानबीन कराई तो इनका ये पूरे स्टेटमेंट है। तो हम लोगों को पता चला कि अरविंद ही एक व्यक्ति अकेला ही पूरे पेट्रोल पंप के 4 करोड़ रुपयों को लेकर के बैठा हुआ है। 4,95,00,000 रुपए, जिसमें से 3,50,00,000 रुपए ऑन खाते से बैंक के खातों से ले चुका है। 1,44,00,000 रुपए अरविंद पेट्रोल पंप के रजिस्टर से नगद कैश ले चुका है। और इसके बाद में राम कुमार 3,57,00,000 रुपए ले चुका है, जिसमें 54,00,000 रुपए कैश और 2,02,00,000 रुपए कैश ले जा चुका है। अब पेट्रोल पंप बंद कर दिया गया, हमने कंपनी को वापस कर दिया है, क्योंकि अब हमारी सामर्थ्य नहीं है कोई जगह पे हम पेट्रोल को चला सके। क्योंकि डर की वजह से भी, और डर के बाद में वो एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, वो चलाने नहीं देंगे, वो मार देंगे इस जान से। आज तक के रिकॉर्ड में 6 फरवरी से वो 8 फरवरी से मैं पेट्रोल पंप सैया की तरफ नहीं गया हूँ। सीपी साहब के यहाँ 13 तक गया हूँ 3-4 बार, और मैंने सीपी साहब से कहा, मेरे सामने मैं था, 5-6 लोग लग गए थे हमारे सामने, जब और सीपी के सामने वो लोग जाति सूचक बातें कर सकते हैं, अड्डा ढेड़ा कर सकते हैं, और साले चमड़े ऐसे ही होते हैं मादरचोद, ये पैसा मान लिया है। तो सब सीपी को हमने बताया ये सारी बातें कि तुम्हारे सामने इस तरह की बात कर रहे हैं, पीछे से हम लोगों को मार देंगे, हम अपना जवाब भी पेश नहीं कर पा रहे। अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं पुलिस प्रशासन से, आगरा सीपी साहब से, कि हमें पूरा ये मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर नार्को टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो ये बेटा नार्को टेस्ट भी कराएगा, मैं भी कराऊँगा। हमारे पास ऑन डॉक्यूमेंट है, हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारे बेटे से अनऑथराइज पैसा वसूला गया है, वो पैसा हमारा वापस किया जाए। जो 2% की ब्याज है ईमानदारी को उसे लगा करके बाकी पैसा जो वसूला है वो पैसा हमारा वापस कराना चाहिए शासन को। और ऐसे ब्याज माफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखते हो आए दिन सुनाई देता है कि 50,000 दे दिए, 2.5 लाख पहुँच गए और उसका घर भी लिखवा लिया, और उसे लास्ट में उस गांव को छोड़ करके भागना पड़ा। ऐसे प्रकरण आए दिन आते रहते हैं, यही प्रकरण हम लोगों के साथ ये हुआ है कि हम लोगों को पेट्रोल छोड़ करके वहां से भागना पड़ा। और आज भी हम पे ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 50-40 लोग दो गाड़ियों भर करके मेरे कार्यालय के सामने खड़े रहते हैं, वीडियो है इस बात की कि खड़े रहते हैं। और हैं हाँ, और मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से, आपके माध्यम से एक और मेरी मांग है कि मेरे और मेरे परिवार को सुरक्षा दी जानी चाहिए। और हमको सैया जो FIR हुई है वहाँ तक अगर हम जाते हैं तो हम पुलिस की अवरक्षा में जाएं, और वापस हम घर तक पुलिस की अवरक्षा में ही वापस आएं, ये हमारी मांग है।